हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ट्यूटोरियल जगदीश एग्जाम क्रैकर। ठीक है, तो आज हम जो करेंगे वो होगा हमारा टाइम डिस्टेंस स्पीड पार्ट 6th वाला होगा, जिसमें हम रेसिस वाले कंसेप्ट देखेंगे। ठीक है ना, रेसिस वाले कंसेप्ट जो होते हैं वो उसके रिलेटेड भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन बहुत ही रेयरली ऐसा होता है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए रेसिस के बारे में। ठीक है ना, जो पिछली वीडियो हमने जो देखी थी वो सारे लीनियर ट्रैक वाला था। ठीक है ना, जैसे कोई बॉडी मूव कर रही है या फलाना फलाना। ठीक है, मैंने आपको रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट बताया था। इसमें हम रेसिस देखेंगे जो कि लीनियर पाथ पे ट्रैवल करेंगे। किस कौन से पाथ में? लीनियर ट्रैवल, जो लीनियर पाथ होते हैं ना, जैसे देखो सड़क हो गई या कोई भी हो गया, जब उसमें हम रन करते हैं तो हम उस केस में कैसे रिजल्ट डिक्लेयर होता है। और इससे नेक्स्ट वाला चैप्टर होगा जो होगा हमारा, उसमें हम करेंगे कि जब सर्कुलर पाथ होगा, सर्कुलर, तो उस केस में हम रिजल्ट कैसे कोशिश करते हैं। ठीक है ना, चलो ठीक है। मैं जो रेस की जो रिजल्ट होती है ना, उसको मैं दो पार्ट में डिवाइड करता हूँ। ठीक है, रेसिस की जो रिजल्ट होते हैं ना, रिजल्ट जो, उसको हम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट में। देखो अच्छे से समझना इसको। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जो मैं आपको रिजल्ट जो बताऊंगा वो होगा इन टर्म ऑफ डिस्टेंस। क्या? इन टर्म ऑफ डिस्टेंस। बताता हूँ मैं ये सब कैसा होता है। और सेकंड, जब रिजल्ट डिक्लेयर होता है तो वो क्या होता है? इन टर्म ऑफ टाइम। इन टर्म ऑफ, ठीक है, टाइम। देखो इन टर्म ऑफ डिस्टेंस क्या है, जैसे देखो ए ने बी को 100 मीटर के फासले से हरा दिया। ठीक है ना, आप ऐसे ही बोलते हो ना, जैसे देखो आप अगर आपने किसी बंदे को हराया है तो आपने उसको 100 मीटर रेस से हरा दिया। ठीक है ना, मतलब कि आपके और उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस का जो डिफरेंस रहा था वो 100 मीटर रहा होगा। सेकंड में क्या होता है, देखो जैसे देखो ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया, ए ने बी को, ए ने सी को 10 सेकंड से या 20 सेकंड से हरा दिया। ये सिंपल कंसेप्ट है। अब ये आपको मैं जहाँ पे लिखना सिखाऊंगा। देखो जैसे देखो ना, हम जहाँ पे क्या आप बोलते हैं, जैसे देखो ए ने, हम बोल सकते हैं ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया, 100 मीटर से हरा दिया। समझ आई? हम जहां पे क्या क्या लिख सकते, ए ने बी को 10 सेकंड से हरा दिया। जी, दो टाइप के रिजल्ट हम ओकेजनली क्या करते हैं, घोषित करते हैं। देखो मैं आपको यहां पे, देखो फर्स्ट केस वाला समझाता हूं मैं, ये वाला केस। जी देखो, मेरे पास ये एक ट्रैक है, लीनियर ट्रैक है ये। ठीक है ना, ए ने भी जहाँ से भागना शुरू किया, बी ने भी जहाँ से भागना शुरू किया, लेट इट बी कि इसकी स्पीड क्या है एस ए और इसकी स्पीड क्या है एस बी, दोनों 10 बजे यहाँ से, ठीक है, 10 AM पे ये भागे हैं। ये भी 10 AM पे यहाँ से इसने स्टार्ट की रेस। ओके, अब मैं जब ये बोल दूँ कि ए ने बी को 100 मीटर से हरा दिया, मतलब क्या है? देखो ए तो भागा होगा यहाँ से, ठीक है, ए, मैं ये मान लेता हूँ, जे अगर ए ने बी को 100 मीटर से, मतलब मैं ये मान लूँ कि ये कितना है, ये मेरे पास जो सर्कुलर जो ट्रैक है ये 1000 मीटर का है। ठीक है, मैं ऐसे मान लेता हूँ, ये मेरे पास 1000 मीटर का है। देखो ए ने तो पूरा भागा, ए यहाँ पे पहुँच गया, ठीक है, ए ने क्या किया, पूरा 100 मीटर, सॉरी ये 1000 मीटर जो था ये ट्रैवल कर लिया। अब देखो ए ने बी को 100 मीटर से हराया ना, तो बी जहाँ से भागा 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 जहाँ से भागा बी जहाँ से भागा, बी सिर्फ जहाँ पे पहुँचा, कहाँ पे पहुँचा, जहाँ पे पहुँचा बी, ठीक है, बी यहाँ पे पहुँचा, तो ए कहाँ पे था, यहाँ पे था, और बी कहाँ पे था, यहाँ पे था। टाइम हो गया था, मतलब कि टाइम तो अप हो गया था, जो टाइम लिमिट, जैसे देखो मैं मान लेता हूँ कि 10:10 मान लेता हूँ, जी 10:30, ठीक है ना, AM पे ये जहाँ पहुँचा, इसका मतलब 10:30 AM पे जे भी तो बी भी यहीं पे पहुँचा था ना, मतलब कि इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, क्या दिया, 100 मीटर से रहा है ना, 100 मीटर, इसका मतलब, ठीक है, जे आया 100 मीटर,
आपको ये समझ आ गई होगी। तो ये क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस बी से लेके जहाँ मतलब जहाँ तक जब जो बी ने ट्रैवल किया है डिस्टेंस, वो कितना ट्रैवल किया है, 900 मीटर। 900 आएगा ना, 1000 में से मुझे ये वाला माइनस किया तो जया 900 मीटर। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया ना। ये देखो फिर ए ने बी को कितने कितने फासले से हराया है, 100 मीटर से। ये था फर्स्ट केस। अब देखो मुझे पता है मेरे पास स्पीड स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखो स्पीड स्पीड हो गया, डिस्टेंस टाइम हो गया, या वर्क वाले कंसेप्ट या फिर प्रॉफिट लॉस, उसमें क्या रहता है, एक जो क्वांटिटी होती है वो सेम रहती है। तो जहाँ पे देखो उस क्वांटिटी क्या सेम रही होगी, ये देखो टाइम, जहाँ पे टाइम कांस्टेंट रहा है, इफ़ टाइम इज़ कांस्टेंट, देखो जहाँ पे टाइम क्या है, कांस्टेंट है ना, देखो ना आपने टाइम यहाँ पे कांस्टेंट है, डिस्टेंस वेरिएबल वेरी कर रहा है लेकिन टाइम कांस्टेंट है। इफ़ टाइम इज़ कांस्टेंट, देखो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, टाइम तो कांस्टेंट है। अगर इसको 30 जहाँ पे लगाया सेकंड है तो 30 जहाँ पे लगे हैं, 30 मिनट जहाँ पे, 30 मिनट यहाँ पे, तो ये तो सेम है। तो उस केस में क्या होता है, स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी होता है, ठीक है, ठीक है। तो जब इन टर्म ऑफ डिस्टेंस हमें ये बताया जाता है तो मेरे पास स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होता है। ये वाला कंसेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं क्वेश्चन में, वो कैसे करते हैं मैं आपको वो भी बताऊँगा, फिलहाल आप ये याद रखना। अब सेकेंड वाला केस देखिए, ठीक है, कुछ रेस है, ठीक है ना, मैं मान लेता हूँ जी कि मेरे पास 1000 मीटर की जो रेस है, ए ने भागना शुरू किया, बी ने भागना शुरू किया, ठीक है ना, लेट इट बी की 10 बजे 10 AM पे जे निकले यहाँ से, 10 AM पे, ओके। अब मैं ये बोलूँ कि ए ने बी को 1 मिनट से हरा दिया, क्या बोलूँ मैं, ए ने बी को 1 मिनट पे मिनट से हरा दिया, ओके। देखो ए यहाँ से भागना शुरू किया, इसकी स्पीड में एस ए मान लेता हूँ और इसकी में एस बी मान लेता हूँ। ए जहाँ से भागा, ए जीता है ना यहाँ पे, ए तो जहाँ पे पहुँच गया, ठीक है ना, ए जहाँ पे पहुँच गया, जैसे मैं मान लेता हूँ 10:10 में, ठीक है, ए एम पे, ये यहाँ पे पहुँच गया। बी जहाँ से भागा, एक्चुअली हुआ क्या, जब रिजल्ट घोषित हुआ तो 10:11 पे जे वाला बी वाला जहाँ पहुँचा था, आपको ये समझ आ रही होगी। देखो ए ने भागा पूरा 1000 मीटर ही भागा ए ने, लेकिन वो टाइम से मतलब कि 10:10 पे जे पहुँच गया यहाँ पे, ठीक है। बी भी जहाँ से भागा वो 10:11 पे यहीं पे पहुँचा है ना, बताओ इसमें कांस्टेंट क्या रहा है, डिस्टेंस इज कांस्टेंट। ये देखो ए ने भी कितना 1000 मीटर ट्रैवल किया है, बी ने भी 1000 मीटर ट्रैवल किया है, ठीक है ना, लेकिन जो रिजल्ट है इन टर्म ऑफ डिस्टेंस बताया हुआ है, तो ये बोल गया कि ये बोला गया कि ए ने बी को 1 मिनट से हराया। ये देखो है ना, एक मिनट का डिफरेंस, तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम रहता है। तो लिख लेना, इफ डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट, ठीक है, तो हमारे पास क्या रहता है फार्मूला, डिस्टेंस कांस्टेंट है ना, तो स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होएगी, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना, ये वाला साइन क्या रहता है, इन्वर्सली इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, वो वाला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, ठीक है। ये वाला हमारे पास कंसेप्ट इस्तेमाल होता है। तो इस केस में क्या रहता है, स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन पॉइंट टाइम, क्या बोल रहा हूँ मैं भी, इन्वर्सली, ठीक है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो इन ए रेस ऑफ 200 मीटर, बी कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू ए एंड सी कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू बी, द स्टार्ट दैट सी गिव टू ए इन द सेम रेस इज, जैसा कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ नंबर लाइन पे, ठीक है। देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, इन रेस ऑफ 200 मीटर की रेस है ना, चलो ठीक है, मैं पहले एक ट्रैक बना लेता हूँ, ठीक है, ये देखो ये मेरे पास कितने मीटर का है, 200 मीटर का रेस है। बी कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू ए,
मतलब कि अगर बी जहाँ से भागना शुरू किया बी ने, तो उसने ए को कितना स्टार्ट दिया, जहाँ से ए भागना शुरू किया, ठीक है ना, ए ने जहाँ से भागना शुरू किया। तो ये बोल रहा है कि बी कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर है, ठीक है, 10 मीटर टू ए, मतलब कि ये वाला डिस्टेंस मुझे उसने बताया हुआ है, क्या है, 10 मीटर, ठीक है, मतलब कि 10 मीटर का फासला है इन दोनों के बीच में, तब जाके जो ए भागा यहाँ से, फिर बी यहाँ से भागा, ठीक है, इसका मतलब ये रहता है। तो अगर देखो 10 मीटर ये वाला है, तो ये वाला कितना होगा ए से लेके यहाँ तक, 190 होगा ना, ठीक है ना, 200 में से मैंने 10 को माइनस कर दिया, ठीक है ना, ये आपको समझ आ गई होगी। तो जहाँ पे देखो, जहाँ पे जो हमें जो रिजल्ट जो सिंपली जो बताया जा रहा है वो इन टर्म ऑफ डिस्टेंस, तो हमारे मुझे पता है स्पीड डायरेक्शनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होगा, तो मुझे पता है ना एस ए एस बी, ठीक है ना, एस ए का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एस ए ने जहाँ से भागना शुरू किया, कहाँ से, एस ए ने जहाँ से भागना शुरू किया, हाँ बराबर है, चलो कोई नहीं, ऐसे का जो है वो क्या है मेरे पास 190, और एस बी का क्या है मेरे पास, जहाँ से एस बी ने भागना शुरू किया और पूरा वो जहाँ पे भागा ना, तो इसका मतलब ये वाला क्या है मेरे पास 200। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, एस बी अपॉन एस ए इक्वल टू 200 अपॉन 190, 2 मिनट प्लीज़। हाँ तो ये वाला कंसेप्ट आपको समझ आ गया होगा, तो ठीक है ना, ये वाला आप लोग इसको नोट करके रख लीजिए, ठीक है ना, ये वाला आप नोट कर देना, ठीक है, ये वाला सेकंड केस देखो, ये फर्स्ट केस था ना, फर्स्ट केस, अब देखो सेकंड केस में क्या हुआ है, सेकंड केस में देखो यहाँ पे क्या हुआ है, सेम एक पाथ है, ठीक है ना, अब देखो सी ने स्टार्ट दिया गया है बी को, मतलब कि अगर बी यहाँ पे था, कहाँ पे, बी जहाँ पे था, सी जहाँ से भागा था ना, ठीक है ना, तो इन्हें स्टार्ट दिया, कितना दिया इसने, सी कैन गिव स्टार्ट ऑफ 20 मीटर, इसका मतलब ये वाला क्या है 20 मीटर है, ठीक है ना, 20 मीटर है, तो बताओ ये वाला कितना बचा होगा बी से लेके जहाँ पर जहाँ तक, 180 मीटर, ठीक है ना। अब देखो मुझे पता है यहाँ पे अगेन मैं स्पीड एस सी की लिखूंगा, और रेशियो यही है ना प्रोपोर्शन का, मतलब एस बी, जी देखो एस सी, एस सी ने कितना भागा है यहाँ से लेके जहाँ तक, मतलब एस सी ने भागा है 200 पूरा, और एस बी ने कितना भागा है, एस बी ने जहाँ से स्टार्ट किया जहाँ तक 180 का, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, द स्टार्ट दैट सी गिव टू ए इन द सेम रेस, मतलब कि सेम रेस होगी, हम मुझे निकालना है, निकालना क्या है मुझे, बेसिकली मुझे निकालना है कि द स्टार्ट दैट सी गिव टू, अब क्या बोल रहा है, सी गिव टू ए, मतलब कि सी ए को कितना स्टार्ट देगा, मुझे जे वाला डिस्टेंस निकालना है, ठीक है ना, ठीक है ना, सेम रेस में। अब देखो कैसे अप्रोच करूंगा मैं, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों को जो भी क्वेश्चन है ना, इन दोनों को कर दो मल्टीप्लाई, एस ए अपॉन, है ना, एस ए अपॉन एस बी आएगा ना यहाँ पे, ये देखो एस बी अपॉन एस ए मल्टीप्लाई बाई, इसको कर दो एस सी अपॉन एस बी विच इज इक्वल टू, कर दो इसको 190 मल्टीप्लाई बाई 200 अपॉन 180, है ना, तो कर दो इसको सॉल्व। आप लोग इससे मैं ये वाला कट कर देता हूँ, इससे मैं ये वाला कर देता हूँ, 2 980, है ना, तो मेरे पास क्या आएगा, जे एस बी और जे एस बी कट हो फोटो हो जाएगा, तो आएगा मेरे पास एस सी अपॉन एस ए इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाई 8972 7, करो इसको सॉल्व, क्या आएगा ये, सॉरी यहाँ पे बनाना था, तो 8 है ना, 171, हाँ 171, ठीक है ना, क्या 171 है जी, ठीक है,
171। तो एस सी अपॉन एस ए क्या आया 200 अपॉन 171। अब देखो इन दोनों के डिफरेंस देखो, 200 और 171 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, करो इसको सॉल्व कितना आएगा, नो 29 मीटर का डिफरेंस दे रहा है, ठीक है जी, पता चला ना आपको। ये देखो इसका मतलब क्या है, नंबर लाइन पे आ जाओ आप लोग, ठीक है। ये देखो ये तो 200 मीटर का था ना, मतलब कि एस सी की स्पीड क्या है, मतलब उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है 200, और ऐसे कितना जहाँ से देखिए जहाँ तक कितना वो कर रहा है 171। तो बताओ फिर ये कितना स्टार्ट दे रहा है इसको, कितना स्टार्ट देगा इसको, इसको और इसको मैंने माइनस किया तो ये क्या आया 29 मीटर का आया ना। सेम कंसेप्ट मैंने इस्तेमाल किया है, जो मैंने जहाँ पे इस्तेमाल किया है जहाँ फिर जहाँ पे इस्तेमाल किया है वही कंसेप्ट मैंने जहाँ पे इस्तेमाल किया है। आप लोग 4-5 बार इसको प्रैक्टिस कीजिए तभी समझ आएगा, ठीक है ना। ऐसे ये इम्पॉसिबल है कि आप एक ही झटके में ये मेरा लेक्चर देखो और आपको समझ आ जाए। फर्स्ट टाइम तो मैं तो आपको ये समझ आ रहा है, लेकिन इसकी आपको कम से कम 5-6 तो प्रैक्टिस की ज़रूरत है तभी जाके ये समझ आएगा। अब यहाँ पे देखो, इन ए किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाई 30 सेकेंड एंड बी बीट्स सी बाई 15 सेकेंड। इफ ए बीट्स सी बाई 180 मीटर द टाइम टेकन बाई ए टू रन 1 किलोमीटर इज। देखो इन टर्म ऑफ क्या बताया उसने, टाइम भी बताया है मुझे और इन टर्म ऑफ मुझे उसने डिस्टेंस भी बताया है, तो मुझे इसको कैसे अप्रोच करना है, ठीक है ना। चलो सबसे पहले देखो, मुझे पता है अगर उसने मुझे टाइम के अकॉर्डिंग दिया है तो स्पीड जो होती है वो 1 टाइम, ठीक है ना, इतना आपको पता है। सबसे पहले देखो ऐसे देखो, एस ए अपॉन एस बी क्या आएगा, नहीं देखो ऐसे दो ही है ना पर्सन, ए और बी है ना, ऐसे और एस बी कितना आएगा। तो आपको सबसे पहले इन टर्म ऑफ टाइम तय है ना, तो देखो इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है ना, एस बी अगर देखो ऐसे मैंने यहाँ लिखा है ना, तो टी बी कहाँ आएगा इसका, टी बी जहाँ पर आएगा ना टाइम ऑफ, क्या बोल रहा हूँ मैं, समझ आ रही है आप लोगों को या नहीं, मतलब देखो ऐसे की स्पीड जहाँ पर है तो टाइम कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ना, इन्वर्सली हो गया ना, एस बी अगर जहाँ पर है तो टाइम बी जहाँ पर आएगा, ये वाला ये मतलब था उसका जो मैंने आपको बताया था कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जब टाइम के केस में हमें जो रिजल्ट होता है वो हमें बताया होता है। अब देखो एस से अपॉन एस बी मेरे पास आएगा क्या, जहाँ पे इन किलोमीटर रेस, सबसे पहले तो मुझे पता है कि मेरे पास किलोमीटर की रेस है, क्या है किलोमीटर रेस है, ए बीट बी बाई 30 सेकेंड एंड। अब देखो ए ने बीट किया ना, ए ने देखो अगर जो ए है वो अगर टी टाइम पे मूव कर रहा है तो उसने बी को किया है 30 सेकेंड से हराया ना, तो एस बी ने क्या किया टी से 30 सेकेंड वो ज़्यादा भागा होगा, ठीक है ना, टी प्लस 30 सेकेंड ही भागा होगा ना वो ज़्यादा, तभी तो वो ये जो हमारे पास जो बी जो है वो हारा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे आप इन दोनों का डिफरेंस देख लो, चाहे टी माइनस है ना, टी माइनस 3 30 सेकेंड ही आया ना, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस भी 30 सेकेंड ही आया है, ठीक है ना, मुझे सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेनी होती है। ये वाला आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अब दूसरा देखो, एंड बी बीट सी बाई 15 सेकेंड, मतलब कि वो बोल रहा है कि एस बी ओवर एस सी इक्वल टू, अब देखो जहाँ पे आप एंड बी बीट सी वाई कितने सेकेंड में वो हार रहा है, 15 सेकेंड में वो हार रहा है। सबसे पहले देखो एस बी कितना भागा है, एस बी कितना भागा है, ये देखो इन्वर्सली रिलेशन है ना, एस बी तो एक्चुअली इतना भागा है ना, टी प्लस 30 तो एस बी ने टाइम लिया था, टी प्लस 30 मतलब कि नेक्स्ट को 3 बंदे हो गए यहाँ पे, ठीक है, टाइम यहाँ पे काउंट होते ही जा रहा है, तो एस सी को कितना उसने हराया है उससे वो 15 सेकेंड में हारा हुआ है, तो मतलब एस सी कितना भागा होगा, उसने टी प्लस 30 तो भागा होगा, इतना तो भागा होगा, प्लस उसने एक्स्ट्रा टाइम लिया है ये 15 सेकेंड का। सेम कंसेप्ट जैसे मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया वैसे यहाँ पे इस्तेमाल किया, इसको आप ठीक है पॉज करके बार बार देखना तभी आपको समझ आएगी, 5-6 बार निकालना, ठीक है, इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे वो निकालना, तभी जाके आपको ये समझ अच्छे से आएगी।
जहां से मैं क्या कर सकता हूं, एस बी अपॉन एस सी इक्वल टू टी प्लस, तो ये क्या आएगा 45 आएगा ना, है हाँ, तो टी प्लस 30, मुझे निकालना क्या है यहाँ पे, द टाइम टेकन बाई ए टू रन 1 किलोमीटर, तो मुझे ए का जो है वो टाइम निकालना है, तो ऑब्वियसली बात है ना, देखो ए ने कितना रन किया है, टाइम जो टी निकालना है, तो एस बी पान एस सी तो मेरे पास है, आप ध्यान से देखो तो एस बी है ना, एस बी और जो मेरे पास क्या बोल रहा हूँ मैं, एस ए पान एस सी वो मेरे पास तो है, ठीक है ना, वो देखता हूँ मैं। अब यहाँ पे आ जाओ, ये वाला देखो, इस वाला कंसेप्ट देखो, एस ऑफ ए और एस ऑफ क्या है सी, रेस तो कितने किलोमीटर की थी ना, मतलब कि देखो अब बीट किसने किया है, ए बीट सी बाई 180 मीटर, ठीक है, देखो ये तो पूरा 1000 इसने रन किया है, अब देखो उसने 180 मीटर से हराया ना इसको, तो मतलब कि एस सी कितना भागा होगा, मुझे इसमें से 1000 में से अगर मैं 180 निकाल दूं तो क्या आएगा, हाँ जी आएगा क्या, देख लेना अच्छे से देख लो, 1000 में से मुझे निकालना है 820, तो जहाँ पे कितना देखता हूँ मैं, ठीक है ना, तो मेरे पास क्या है ये 800, ठीक है ना, ये मैंने ये वाला कंसेप्ट इस्तेमाल किया। अब देखो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, 180 है ना, 180 मीटर है ना, तो मतलब कि ऐसी इस 180 मीटर से हारा हुआ है, ठीक है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तभी मैंने ऐसी ऐसे की वैल्यू यहाँ लिखी और ऐसी की वैल्यू यहाँ पे लिखी, ठीक है ना, तो मुझे अब मैं क्या करूँगा यहाँ से, देखो अगर मैं एस ए अपॉन एस बी को मल्टीप्लाई कर दूँ, अगर मैं एस बी अपॉन एस सी से, ठीक है ना, इन दोनों को मैं क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, कर दो मल्टीप्लाई आप, तो क्या आएगा टी प्लस 30 ओवर टी मल्टीप्लाई बाई टी प्लस 45 ओवर टी प्लस 30, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो एस बी और एस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, और एस ए अपॉन एस सी आएगा, तो एस ए अपॉन एस सी क्या आएगा मेरे पास, ठीक है ना, 100 डिवाइडेड बाई 800 इक्वल टू टी प्लस 45, लेक्चर बहुत बड़ा होते जा रहा है, बोरिंग लग रहा होगा आपको, तो डायरेक्टली मैं अगर आपको यहाँ पे वैल्यू बता दूँ तो आप लोग इसको खुद ही सॉल्व कर देना, तो टी जहाँ पे जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो टी इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, अप्रोक्सीमेटली 205 सेकेंड, ठीक है ना, तो देखो ऐसे के लिए मैंने टाइम क्या किया था, ये टाइम था ना, तो यही मेरे पास आंसर होगा, ठीक है ना, ठीक है ना, अगर आपको बी के लिए निकालना होगा तो टी के पास टी प्लस 30 कर दो, है ना, टी प्लस 30 कर दो, मतलब कि 205 प्लस 30 कर दो, जो आंसर आएगा वो किसका टाइम होगा, एस बी का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अब देखो यहाँ पे द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज, रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी, मतलब कि मुझे उसने बताया कि एस ए ओवर एस बी क्या है, इक्वल टू है मेरे पास 4.7, ठीक है ना, अब देखो द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए एंड बी इज 4:7 एंड ए क्या लिखा है जी, हाँ ए लूसेज द रेस बाई 270 मीटर, देन व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रेस, ठीक है ना, अब देखो यहाँ पे मुझे ये बोल रहा है कि एस ए अपॉन एस बी क्या है, इन टर्म ऑफ उसने मुझे डिस्टेंस बताया ना कि 270 मीटर से वो हारा कौन है, वो ये देखते हैं, एंड ए लूजेज, ए ने लूज किया है ना, तो ठीक है ना, ए ने लूज किया है, ठीक है ना, लूज द रेस बाई 270 मीटर, देखो अगर एस बी ने, एस बी तो एस बी पूरा भाग गया है ना, तो वो 270 मीटर से हारा हुआ है ना, तो एस ए कितना भागा होगा, एल माइनस 270 मीटर, ठीक है ना, देखो और 1000 मीटर की रेस थी, ठीक है ना, एस बी पूरा 1000 भागा होगा, और जो 270 में से 270 मीटर से ये हार रहा है एस ए, तो मतलब कि वो उसने कम भागा होगा ना उससे, है ना, तो 270 तो मतलब करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा मुझे, तो रेस्ट बचा होगा वो एस ए का डिस्टेंस होगा, वो इतना भागा होगा, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एस ए पाना एस बी तो मुझे पता है 4.7 है, 4.7 इक्वल टू एल माइनस 270
डिवाइडेड बाई एल है, तो इसको आप कर दो सॉल्व, अगर आपके आपसे हो सकता है तो इक्वल टू क्या आएगा ये 7L है ना माइनस 7 मल्टीप्लाई बाई 270, तो ये क्या आएगा 3L इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 270, ये आएगा ना, हाँ बराबर है, देख लेना जी साइन आप चेंज करके 39 जा 90 तो 630 मीटर आंसर, मतलब कि जो ट्रैक इतना हुआ 630 मीटर का। अब मैं नंबर लाइन नहीं बना रहा हूँ, आप खुद ही ये बना लेना। अब आज का लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है ना, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, इतनी जल्दी से समझ आने वाला नहीं है ये, कोशिश करते रहना इसको आप अच्छे से समझना। सबसे पहले देखो हुआ क्या है, 100 मीटर की रेस है, ठीक है ना, 100 मीटर की रेस है, ए ने बीट किया बी बाई 100 मीटर और 10 सेकेंड। अब मुझे इसने इन टर्म ऑफ डिस्टेंस इन टर्म ऑफ टाइम भी दिया हुआ है, इफ दे स्टार्ट द रेस 100 मीटर सिमल्टेनियसली टाइम सेम रहा फ्रॉम द सेम पॉइंट से एंड इफ बी गेट्स इन आधे रास्ते से 50 मीटर से आधे, ठीक है ना, 50 मीटर से भी ये आधे से 50 मीटर पहले जो क्या हुआ इंजर्ड हो गया, ठीक है ना, ड्यू टू विच इज स्पीड गैट्स हाफ्ड, उसकी स्पीड हाफ्ड हो गई, देन बाई हाउ मच टाइम बिल ए बीट बी, मुझे जे वाला निकालना है, ए ने बी को क्या बीट। सबसे पहले देखो मुझे पता है मेरे पास क्या आने वाला है, एस ए अपॉन एस बी, ठीक है ना, तो इन टर्म ऑफ डिस्टेंस बात कर रहा हूँ तो मैं डी ए अपॉन डी बी आएगा, लेकिन जब उससे मुझे टाइम इन टर्म ऑफ टाइम भी जे दिया हुआ है, ठीक है, तो देखो एस बी के लिए क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ना टी बी, और ऐसे के लिए टी ए कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, जे मैंने डायरेक्टली किया और जे मैंने इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला कंसेप्ट इस्तेमाल किया, ओके। तो अब देखिए, अब मैं देखो मेरे पास क्या है, एस ए अपॉन एस बी है, रेस कितने किलोमीटर की है, अब देखो क्या हुआ यहाँ पे, इन ए रेस ऑफ 100 मीटर ए बीट्स बी बाई 100 मीटर, मतलब कि ए ने हराया ना, तो ए पूरा 1000 मीटर भागा होगा। अब देखो 100 मीटर से उसने हराया ना, आपको जो कंसेप्ट मैंने जहाँ पे बताया था ना, ऐसे मैं नंबर लाइन जहाँ पे नहीं बना रहा हूँ भाई लोगों, ठीक है, तो तभी आप यहाँ पे समझ लेना, तो जी तो एस बी कितना भागा होगा, ओबी सी बात ना जी, मैं डायरेक्टली जैसे आपने एग्जाम में कैसे करना है वो वाला कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको, 900, ठीक है। अब देखो इन टर्म टाइम देखो, टाइम क्या है, उसने 10 सेकंड से हराया और 10 सेकंड से उसने हराया हुआ है, तो देखो अगर मैं मुझे मान लूँ कि ऐसे अगर टी टाइम में भागा है तो एस पी कितना भागा होगा, 10 सेकंड से हारा है ना, तो टी प्लस 10, ठीक है ना, इन्वर्सली हो गया ये, देखा इन्वर्सली हो गया, ठीक है ना, ए बीट्स बी बाई 10 100 मीटर और 10 सेकंड, ठीक है ना, तो ए अगर टी में भागा है तो बी कितना भागा होगा, टी प्लस 30, तभी तो ये हारा होगा, ठीक है ना, वहाँ पे आपको ये नंबर लाइन वाला कंसेप्ट में यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो जहाँ से देख लो कट कर दो इसको, तो मेरे पास क्या आएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10t इक्वल टू 9t प्लस 90, तो जहाँ पे मेरे पास जो t आएगा वो क्या आएगा, 90 सेकेंड, मतलब कितना टाइम लिया होगा, 90 सेकेंड, किसने लिया होगा, ऐसे ने कितना टाइम लिया होगा, 90 सेकेंड, जहाँ पे समझ आई। अब देखो एक्चुअली में हुआ क्या, यहाँ पे नंबर लाइन में समझाता हूँ मैं आपको, 1000 मीटर की रेस थी मेरे पास, 1000 मीटर की रेस थी ना, ठीक है ना, ए तो जहाँ से भागा, ए तो 90 सेकंड में जहाँ पे पहुँच गया है ना, अपनी जो जो ये वाला जो ट्रैक था उसको उसने कितने, वो 90 सेकंड में जहाँ पे पहुँच गया, लेकिन बी के साथ क्या हुआ है, देखो बी को, बी के साथ क्या हुआ है, बोल रहा है कि आधे से, देखो हाफ 50 मीटर लेस देन हाफ, हाफ क्या होता, इसका हाफ क्या होगा, 500 था ना, 500 होता ना, तो मतलब कि वो 450 पे कहीं जहाँ जाके है ना, 450 जे वाला डिस्टेंस मुझे उसने बताया हुआ है, 450 डिस्टेंस पे कि वो क्या हुआ है, उसको इंजर्ड हुआ है, वो क्या हुआ यहाँ पे, वो इंजर्ड हो गया है, ठीक है ना, इंजर्ड हो गया है, तो उसके बाद ये बोल रहा है कि उसके बाद जो उसकी जे वाली जर्नी होगी वो क्या करता है, वो आधी हो जाती है, क्या हो जाती है, उसकी जो बी वाई टू हो जाती है, ठीक है ना, तो मुझे पहले बताओ जे वाला डिस्टेंस कितना होगा, जे वाला डिस्टेंस 500 जे और
50 जे कितना हो जाएगा, है ना, 550, ठीक है ना, जे हो जाएगा। अब देखो सबसे पहले यहाँ पे एक बात और नोट करो कि देखो जो 100 मीटर की जो रेस है, ठीक है ना, 100 मीटर की जो रेस है, तो ठीक है ना दोस्तों, तो जहाँ पे देखो हुआ क्या था, देखो टी ने कितना कितने टाइम में किया था जी, 90 सेकंड में, जो एक्चुअली में जो टी ए वाला जो टाइम था वो क्या था, 90 सेकंड था। और बी के लिए देखो बी ने कितना टाइम लिया होगा पूरा, है ना, 100 क्या किया होगा, 100 सेकंड, ठीक है ना, 100 सेकंड, तभी तो इसने, तो जहाँ पे देखो जो बी है, बी क्या कर रहा है, 1000 मीटर की रेस को वो कितने सेकंड में कर रहा है ना, वो क्या कर रहा है, 100 सेकंड में उसको पूरा कर रहा है। तो वहाँ पे देखो तो वो जो 1 सेकंड में वो कितना मूव किया होगा, 1 सेकंड में वो कितना कवर कर रहा है, 10 मीटर, ठीक है ना। तो उसको उसने इतना करने में कितना टाइम लिया होगा, ऑब्वियसली बात है ना, 45 सेकंड, ठीक है ना, कितना लिया होगा, 45 सेकंड। अब देखो अब तो उसको 550 मीटर जाने में कितना टाइम लगा होगा, अब डिवाइड करना पड़ेगा ना इसको 10 के साथ, तो मतलब कि 55 सेकंड। अब देखो इंजरी के बाद उसकी जो स्पीड है वो आधी हो गई है, तो अब ऑब्वियसली बात है टाइम उसको कितना लगेगा, डबल लगेगा ना, समझ आई ना आपको। देखो अगर आपकी स्पीड जो है, जो आपकी स्पीड है वो अगर हाफ हो गई है तो टाइम टाइम क्या हो जाएगा, टाइम को मल्टीप्लाई बाई 2 से साथ करना पड़ेगा ना आपको, टाइम तो ज़्यादा लगेगा ना, जब आपकी स्पीड ही आधी हो जाएगी तो टाइम तो ज़्यादा लगेगा, टाइम डबल हो जाएगा ना, तो 55 मतलब 2 होएगा, तो ये क्या आएगा, 5 2 10 0 1 5 2 10 110 सेकेंड। तो देखो बी को जहाँ से मूव करने में जहाँ तक कितना टाइम लगा हुआ, 45 जहाँ पे और 110 जहाँ पे, तो कितना आएगा, 110 और 45 155, मतलब कि ए बी को जहाँ पे ट्रैवल करने में 155 सेकंड लगा होगा, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखो कितना आएगा, 155 / 90, ठीक है, तो 65 सेकंड, तो क्या है, 65 सेकंड आंसर है यही मेरा। तो कितना बाय हाउ मच टाइम बिल ए बीट्स बी, तो ए ने बी को कितने सेकंड से हराया होगा, 65 सेकंड है ना, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, 65, ठीक है ना। तो ये था आज का लेक्चर, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।